पिरान कलियर पुलिस ने बुधवार को नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म के आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने आरोपी पिता को न्यायालय के समक्ष पेश किया है। दरअसल कलियर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि सोमवार दोपहर उसके पति ने उसकी नाबालिग बेटी, जिसकी उम्र करीब 13 साल है, उसके साथ दुष्कर्म किया और घटना के बाद मौके से फरार हो गया। आपको बता दें, तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ पॉस्को समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। SP दिहा स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया और आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। कलियर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला के द्वारा यह तहरीर दी गई थी कि उसकी पुत्री के साथ उसके ही पति यानी कि पीड़िता के पिता के द्वारा दुष्कर्म की घटना को कारित किया गया है। इस संबंध में तत्काल तहरीर प्राप्त कर अंतर्गत धारा 376 IPC एवं 3456 पोक्सो अधिनियम के अभियोग पंजीकृत करते हुए पीड़िता का मेडिकल कराया गया एवं उसके मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 CRPC के कथन अंकित कराए गए। तत्काल अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई एवं अंततः अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।